बिहार में एक कमज़ोर मैंडेट की एनडीए सरकार है और जब से चिराग पासवान के बंगले में आग लगी है उसके बाद सियासी भूचाल बिहार में है। बात अगर की जाए तो जनता दल यूनाइटेड पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले समय में बेहद जल्द बिहार की जो एनडीए की सरकार है वो गिर जाएगी। चिराग पासवान के अलावा अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने कई दफ़े बिहार की एनडीए सरकार के गिरने की बात कही है। तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है वो बिहार में आपको बेहद जल्द देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने कई दफ़े दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन अब चिराग पासवान के बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कई लोग हैं जो दो बार सपने देखते हैं, एक रात में सोते वक्त तो एक दिन में जागते वक्त। साफ तौर पर दानिश रिजवान ने कहा है कि ख्याली पलाव चिराग पासवान पका रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के सत्ता का चाबी और ताला लेकर घूम रहे थे, लेकिन वो ताला और चाबी दोनों खो गया और अब बंगला भी खो चुके हैं। क्या कुछ कहा है दानिश रिजवान ने चिराग पासवान के उस बयान पर, पहले आप सुने। देखिए, सपने दो तरह के होते हैं, एक सपना इंसान दिन में देखता है, एक सपना इंसान रात में देखता है। और आजकल आदरणीय चिराग पासवान जी लगता है हर वक्त सपना ही देख रहे हैं। एक वक्त था जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ताला चाबी लेकर घूम रहे थे बिहार की सत्ता की, उस वक्त ताला चाबी चोरी हो गया और आज चिराग पासवान जी का तो बंगला ही चोरी हो गया है। अब ये घूमते कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी। अरे भाई साहब, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, आप देखिए खुश हो जाइए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है और ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद फिर से सत्ता में आएगी। बिहार की जनता के लिए हमने काम किया है, काम करके दिखाया है और बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा है। आपने सुना, दानिश रिजवान ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में एनडीए को जनता ने मैंडेट दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, 2020 में जो चुनाव हुआ वो सरकार 2025 तक चलेगी, उसके बाद भी एनडीए की ही जीत होगी। साफ तौर पर दानिश रिजवान ने कहा है कि ख्याली पकाओ मत पकाए और बिहार में एनडीए जो है वो एकदम मजबूत है।